नगर निगम कार्यालय बना गौ शव गृह, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम बना बारात घर। इस बार कांग्रेस के निशाने पर कलेक्टर रीवा और नगर निगम के इंजीनियर एसके गर्ग। सांस्कृतिक आयोजनों के लिए बना कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम बारात घर बना दिया गया। वहीं नगर निगम परिसर गौवंश को गाड़ने की जगह बना दी गई। महापौर और आयुक्त नगर निगम के सारे अच्छे बुरे कामों के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, फिर दोहरा मापदंड क्यों? अच्छे कामों के लिए बड़ों को शाबाशी, गलत कामों के लिए छोटों को बलि का बकरा, ये कहाँ का न्याय है? कुछ ऐसा आरोप लगाया शहर व जिला कांग्रेस के अध्यक्ष सहित बड़े नेताओं ने। यह मामला भी सुलझा ही नहीं था कि दूसरा मामला शहर की नई सौगात कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम को लेकर आ गया, जब इसे बारात घर बना दिया गया। सवाल खड़ा हो गया, ऐसा किसने किया? कांग्रेसी पता करने में जुट गए। सवाल हवा में ही तैरता रहा, यह किसने किया, कलेक्टर कार्यालय ने या फिर नगर निगम ने? इसी के चलते कुछ और सवाल निकले, कृष्णा राज कपूर बना क्यों, किसके लिए, इसको कौन इस्तेमाल करेगा, फक्कड़ कलाकार या फिर धन्ना सेठ शादी बारात के लिए? दो दो पैसे जोड़कर साहित्यिक सांस्कृतिक आयोजन करने वाला कम पैसे वाला पद्मधर पार्क या फिर मेडिकल ऑडिटोरियम तो ले नहीं पाता। 25,000-65,000 वो कहाँ से देगा? इसका मतलब ऑडिटोरियम उसी का जिसने उसको बनाया, शायद यही सोचकर ऑडिटोरियम की परिकल्पना की गई होगी। इसी के चलते टेंडर की शर्त भी कुछ ऐसी ही तय की गई है। टेंडर की कॉपी लेकर कांग्रेसी कुछ ऐसा ही कह रहे हैं। मेरे पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग का नाम है कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम। मैं आपको बता दूं, 12 मई 1946 को प्रख्यात शोमैन राज कपूर का विवाह इसी जगह पर हुआ। इस जगह को यह सोचकर बनाया गया था कि स्थानीय रंगकर्मियों, रंगमंच के कलाकारों को एक बेहतर जगह उपलब्ध कराई जाए जिससे वो देश विदेश में अपना नाम रोशन करें। लेकिन यहाँ पर फिर से विवाह का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, कुछ इस तरीके का आरोप लगाया है कांग्रेसियों ने। मैं राजेश विश्वकर्मा के साथ जावेद अंसारी। एक लाइन है, टेंडर मेरे पास रखा हुआ है, इस टेंडर में 5वें नंबर पर साफ साफ लिखा हुआ है 1,000 सीट वाले मल्टीप्लेक्स जो चला रहे हैं पिछले 5 साल से, उन्हें या वही टेंडर डाल सकते हैं। अब 1,000 सीट का रीवा, सतना, सीधी, सैडोल, छतरपुर, जबलपुर तक में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो टेंडर डाल सके, सिर्फ समदड़िया के अलावा। ये टेंडर में, ये टेंडर का 1,000 सीट का ज्ञान शैलेंद्र शुक्ला जी को कहाँ से आया, महापौर को कहाँ से आया? ये तो धन है मंत्री जी और धन है नगर निगम का प्रशासक कि जो समदड़िया के सावन के झूले में झूलता है, चांदी के झूले में झूल रहा है। महापौर ममता गुप्ता ने, आयुक्त ने काला कर दिया, हम सबको छोटा कर दिया कि नगर निगम परिसर के अंदर ग्रायों का 100 ग्राय बना, उसे खोद के डाला गया और दोषी किसे किया गया? छोटे कर्मचारी को। मैं तो कह रहा हूँ उसमें FIR आयुक्त और ममता गुप्ता के खिलाफ दर्ज होनी चाहिए, उसी तरह दर्ज होनी चाहिए कि जब एक आम आदमी परेशान होता है, एक आम आदमी के घर में किराए से वो दिया होता है और गलती से कोई आदमी फांसी से झूल जाए या किसी का मर्डर हो जाता है, तो नगर निगम और या पुलिस के लोग हो या अधिकारी के लोग हो, कोई भी हो, पुलिस के लोग सबसे पहले मकान मालिक को दोषी मानते हैं। लेकिन दोषी अगर कोई है तो ममता गुप्ता और आयुक्त दोषी है। ये कृष्णा राज ऑडिटोरियम रीवा की जनमानस के लिए 65,000 रुपये किराया रखा है। आप ये बताइए कि रीवा का कलाकार 65,000 रुपये में क्या ऑडिटोरियम ले पाएगा, जबकि 25,000 रुपये में मेडिकल ऑडिटोरियम मिलता है, उसे रीवा का कलाकार नहीं ले पाता, सामाजिक आदमी नहीं ले पाता, क्योंकि रीवा राजेंद्र शुक्ला की नज़र में महानगर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने समदड़िया के नाम पे एक पार्टनरशिप फर्म बना के जो काम कर रहे हैं उनके लिए महानगर हो सकता है। लेकिन रीवा की गरीब जनता के लिए, रीवा के आम जनमानस के लिए ये अभी महानगर नहीं बना है। इस वक्त हम मौजूद हैं कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में। इस ऑडिटोरियम का निर्माण इस मकसद से कराया गया था कि यहाँ के जो रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, वो अपने यहाँ प्रैक्टिस कर सकें और अपने जौहर दिखा सकें। लेकिन हाल ही में यहाँ एक रिसेप्शन पार्टी हुई और जो नाटक यहाँ पे हुआ वो दूसरी जगह हुआ, जिसको देखकर कांग्रेस का आरोप है कि कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम आखिर किसके लिए बनवाया गया है, जिसके लिए बनवाया गया उसको इसका फ़ायदा मिल रहा कि नहीं।
और ये उन हाथों को दिया जा रहा है जिसने इसका निर्माण कराया। तो किस हद तक ये जो कृष्णा राज कपूर एडिटोरियम है इसका उपयोग कलाकार कर पाएंगे कि ये नहीं, ये आगे देखने लायक रहेगा। कैमरामैन राजेश विश्वकर्मा के साथ शादाब सिद्दीकी।